हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे चिली पोटैटो। मैंने चार आलू लिए हुए हैं, ये अच्छे से छील के धो के मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया। मैंने एक बाउल मैदा का लिया हुआ है, डाल देते हैं। आधा बाउल मैंने चावल का आटा लिया हुआ है, ये भी डाल देते हैं। अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। मैंने थोड़ा पानी लिया हुआ है, ये डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, फ्राई करते हैं। मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है, तेल डाल लिया है, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। आलू को डालती हूँ। जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाएगा तब तक फ्राई करेंगे। तो अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुके हैं, इनको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह मैं वो डालती हूँ। तो ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, तो मैं सभी आलूओं को ऐसे ही फ्राई करूंगी। मैंने सभी आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया। मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है, तो एक बड़ी चम्मच सरसों का तेल डालती हूँ मैं। तेल गर्म हो चुका है, तो आधी छोटी चम्मच जीरा डालते हैं। मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ ली हुई हैं, ये भी डाल देते हैं। मैंने एक प्याज लिया हुआ है, ये बारीक कट कर लिया, ये भी डाल देते हैं। प्याज को पका लेते हैं कुछ देर। मैंने 2 चम्मच मैदा ली हुई है, तो इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं और एक गोल तैयार कर लेते हैं। तो ये गोल बन के तैयार हो चुका है, तो मैं इसके अंदर डालती हूँ 1 छोटी चम्मच नमक। तो प्याज भी फ्राई हो चुका है, तो मैं डालती हूँ 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस। तो मैं 2 चम्मच डालती हूँ सोया सॉस। मैं इसमें डालती हूँ 2 चम्मच केचप। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब डालूंगी मैं ये मैदा का घोल, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो मैं इसमें डालती हूँ 1/2 ग्लास पानी और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तीन मिनट इसको हाई फ्लेम पे पका लेते हैं। तीन मिनट हो चुके हैं इसको पकाते, तो इसमें डाल देते हैं आलू। अच्छे से आलू को मिक्स कर देते हैं।
मैंने मिक्स कर लिया है इसको, 2 मिनट ऐसे ही पका लेंगे। तो मैं 1 चम्मच केचप और डालती हूँ, केचप आप और भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आपको तीखा तेज पसंद है, रेड चिल्ली सॉस 1 चम्मच और भी डाल सकते हो। ये बनके तैयार हो चुकी है, तो गैस को बंद कर देते हैं। मैंने कुछ हरा प्याज लिया हुआ है, ये डाल देते हैं। इसमें थोड़े हरे प्याज और डाल देते हैं। चिल्ली पटेटो बनके तैयार हो चुका है। आप ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें। आपके चिल्ली पटेटो कैसे बनते हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।